जीपीएल न्यूज, हर खबर आपके साथ। गोपालगंज, आज गोपालगंज जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में सवल पंचायत सक्रिय वृद्ध अभियान के दूसरे चरण के तैयारी के लिए एक बैठक बुलाई गई। द मूविंग स्कूल फ्री एडमिशन टिल द ओकेशन ऑफ एनुअल फंक्शन ऑफ आवर स्कूल 24 जनवरी, बस कम फर्स्ट सर्व, एड्रेस वार्ड नंबर 20, थाना रोड नियर टेलीफोन एक्सचेंज, गोपालगंज, एंड स्पेशली प्रिपरेशन फॉर नवोदय एंड सैनिक स्कूल। कॉन्टेक्ट नंबर 8809038433 एंड 7004568254। जिला जनता दल यू जिला कार्यालय में जनता दल यू का सबल पंचायत सक्रिय बूथ अभियान के दूसरे चरण की तैयारी के लिए पार्टी के जिला संगठन प्रभारी और प्रदेश के सचिव आदरणीय श्री भीषम सहनी जी की उपस्थिति में पार्टी के सभी जिला कमेटी के पदाधिकारी, प्रखंड अध्यक्ष, प्रखंड संगठन प्रभारियों की बैठक रखी गई है। आज हम इस बैठक के माध्यम से जो जनता दल यू का अभियान है, सबल पंचायत सक्रिय बूथ अभियान जो पूरे बिहार में सफल रहा है, उसके दूसरे चरण में 15 जनवरी से 31 जनवरी के बीच बिहार के सभी पंचायतों में, पंचायत और नगर परिषद नगर निकाय के वार्ड में यह बैठक करना है और बैठक के माध्यम से जनता दल यू को बूथ स्तर पर मजबूत करना है और आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए यह महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। और आज हम इस बैठक के माध्यम से जिला कार्यालय में अपने सभी प्रखंड अध्यक्ष और संगठन प्रभारियों को और जिला कमेटी के पदाधिकारियों को टास्क दे रहे हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं कि 21 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में गोपालगंज जिले के 234 ग्राम पंचायतों में, 3 नगर पंचायतों में और 28 गोपालगंज नगर परिषद के वार्डों में, यानी 265 पंचायतों वार्डों में पंचायत अध्यक्ष की अध्यक्षता में, पंचायत संगठन प्रभारी की उपस्थिति में पंचायत कमेटी की और बूथ कमेटी की बैठक होगी। और उस बैठक में प्रखंड स्तर के जो संगठन प्रभारी हैं वो मॉनिटरिंग करेंगे, जिला कमेटी के पदाधिकारी मॉनिटरिंग करेंगे और सरकार की जो उपलब्धि है, सरकार की जो योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, उनको जनता के बीच में जानकारी दी जाएगी। और लोकसभा चुनाव के लिए हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड NDA गठबंधन में बिहार की गोपालगंज सीट सहित 40 विधानसभा लोकसभा सीट को जीतने के लिए रणनीति बनाएगी और कार्यकर्ताओं को और जनता को उत्साहित करेगी। और इसके माध्यम से यह जो अभी आप देख रहे हैं, यह हमारा दो चीज़ है। एक है सबल पंचायत सक्रिय बूथ अभियान के तहत गोपालगंज जिला में पंचायत संगठन तिजोरी, यह पंचायत संगठन तिजोरी जो हम देंगे अपने पंचायत अध्यक्षों को, उस तिजोरी में राष्ट्रीय स्तर, प्रदेश स्तर, जिला स्तर, प्रखंड स्तर के सभी पदाधिकारियों का मोबाइल नंबर, उस पंचायत की नक्शा, भौगोलिक की स्थिति क्या है, जातीय क्या स्थिति है, कितने बूथ हैं, तमाम बूथ लेवल एजेंट का सूची, सक्रिय साथियों का सूची उस पर दर्ज होगा। और दूसरा हम दे रहे हैं सबल पंचायत सक्रिय बूथ अभियान के तहत गोपालगंज जिला पंचायत कार्यवाही पुस्तिका। ये हमारी परंपरा है, पार्टी ने जो बनाया है कि पंचायतों में कार्यवाही पुस्तिकाएं आज तक नहीं दी गई थी, तो हम जिला कमेटी के माध्यम से, जिला कार्यालय के माध्यम से हम हर पंचायत में पंचायत अध्यक्षों को पंचायत कार्यवाही पुस्तिका दे रहे हैं जो 21 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में इसी रजिस्टर पर, कार्यवाही पुस्तिका पर पंचायत में बैठक होगी। और बैठक में कौन कौन सी योजनाओं की आवश्यकता है पंचायतों में, सरकार से क्या जनता को अपेक्षा है, आज उम्मीद है, क्या चाहती है, कृषि के क्षेत्र में, रोड के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सामाजिक के सरोकार के क्षेत्र में, जो समाज में कुरूतियाँ हैं उस कुरूति को हम सरकार के माध्यम से कैसे उसका निवारण करेंगे, यह सारे प्रस्ताव पार्टी के पदाधिकारी, पंचायत कमेटी और जनता से लेंगे और इस कार्यवाही पुस्तिका पर दर्ज करेंगे। और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सुपुर्द करेंगे और हर उम्मीद को, हर योजनाओं को, प्रस्ताव को सरकार अमली जमा पहनाएगी और आगामी लोकसभा चुनाव गोपालगंज जिला जनता दल यूनाइटेड NDA गठबंधन में सहित पूरे बिहार के 40 सीट हम जीतने का संकल्प लेंगे। उसी अभियान को सफल बनाने के लिए आज हम पार्टी जदयू जिला कार्यालय में सभी पदाधिकारी बैठक कर रहे हैं
और हम आज से ही इस अभियान को श्री गणेश कर रहे हैं और हमारे सभी पंचायतों में कल से हमारे पदाधिकारी दिखाई देंगे और हम तमाम विरोधियों को परास्त करने का काम करेंगे और जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ही नहीं पूरे देश में झंडा लहराने का काम करेगा। इसी अभियान के साथ आज हम बैठक कर रहे हैं। गोपालगंज सासामुसा सेंट पॉल स्कूल की ओर से मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बिहार प्रदेश के निर्देशानुसार पूरे बिहार में सबल पंचायत सक्रिय बूथ अभियान के तहत हर पंचायत में नेम प्लेट लगाना है, पार्टी का झंडा पंचायत अध्यक्ष के दरवाजे पर लगाना है और हम लोग के तरफ से जिला कार्यालय की तरफ से 200 रजिस्टर दिया जा रहा है, एक पंचायत तिजोरी, एक कार्यवाही पुस्तिका और जो बैठक होगी पंचायत में वह कार्यवाही पुस्तिका पर अंकित होगी और जितने गणमान्य जो व्यक्ति होंगे जो पार्टी के समर्पित लोग होंगे उनका मोबाइल नंबर उनका पता पंचायत तिजोरी रजिस्टर में दर्ज होगा और जो हमारे आदरणीय नेता बिहार के विकास में जो चौमुखी काम किए हैं उसका फीडबैक भी उस बैठक के माध्यम से लिया जाएगा। आज जहाँ भी कोई तरह का गड़बड़ी अगर मिलेगा और हमारे दल के जो कार्यकर्ता बताएंगे उस पर उचित कार्रवाई होगा और ये हम लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर जोर शोर से इस काम को अपनी जमा पहनाने का प्रयास कर रहे हैं जिला कमेटी गोपालगंज की तरफ से। चित्रगंधा पान मसाला द रॉयल टेस्ट, हर सफर में हम सफर। जीपीएल न्यूज़, हर खबर आपके साथ।